Sayoni कैसे हैं आप सभी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रेहान रॉक्स और मेरे साथ है सैम। सो गाइस, आज का हमारा जो ब्लॉग का मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक और वहां से हम लेके आने वाले एक सरप्राइज बॉक्स आप सभी के लिए। और कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो प्लीज पहले तो आप कनेक्ट रहें हमारे चैनल से जिससे कि आपको सरप्राइज बहुत जल्दी मिले और अपडेट्स भी आते रहेंगे। और अभी तो रिवील नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल बाकी ये बोलेगी। तो अभी तो हम जा रहे हैं, आपको कुछ छोटी मोटी झलक देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो में तो प्लीज बने रहे सरप्राइज की झलक देखने के लिए। सो गाइस, हम घर से बाहर निकल चुके हैं और अब गर्मी हो रही है, ऑन द वे हैं, गर्मी बहुत हो रही है, तो आप देख सकते हैं मैंने टी शर्ट पहन रखी है और इसको, ये तो जानवर है, तो ये तो जानवर है, देखो भाई इसको, हाँ। इसको गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी, चुप रहो कुछ भी नहीं है। सो मिलते हैं अब आपसे रास्ते में। सो फाइनली गाइस, यार मार्केट हम पहुंच चुके हैं और मेरे साथ सैम है और अदनान को आप देख सकते हैं, वो थोड़ी सी टेस्ट वगैरह कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और अभी सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्पीकर है वो टेस्ट के लिए आ चुका है और यहाँ पर टेस्टेड की आवाज़, सॉरी कनेक्टेड की आवाज़ सुन चुके हो गए आप। स्वदनान अभी गिटार चेक कर रहा है और मैं अपनी वॉइस चेक करूँगा और सैम, और वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी जब ये चेकिंग कर रहे होंगे। तो अभी तो हम ऑक्स वगैरह का वेट कर रहे हैं, वो आएगा तो गिटार चेक करेंगे हम फिलहाल, तो अभी वेट करते हैं, आता है फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ चेक कर रहे हैं, सयोनी चने के पल गिटार की वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब वो तो सेट करना होता है ना, तो बाबा सेट करके ही चेक करोगे ना, जब गिटार की वोकल इतनी तेज आ रही है, माइक का इतना कम आ रहा है। माइक की वॉल्यूम है अभी हाफ है, इसको फुल कर लीजिए। हेलो चेक, अच्छा ओपन कर लीजिए। अच्छा हेलो चेक यही मैं बोल रही थी, फिर वो ना फील नहीं आ रहा था, लाइक गिटार की वॉइस बहुत ज्यादा ही कैच कर रही थी। सो गाइस, आप लोग गाना भी सुन लो अब। Mm-hmm.
सैया तू है सैया फाइनली हमें चेक भी किया और आप ऑडियंस के लिए इन्होंने गाना भी गाया। इसके स्पीकर का साउंड काफी ज्यादा अच्छा है। ओ देखकर सुनो तो वो भी चेक कर लो एक बार। बैटरी का फर्क है, इसमें 6 वोल्ट है, इसमें 7.5 एमएच की बैटरी है। ओके, ये फर्क आता है। सो अगर आप भाई बुरा ना माने, ये भी चेक करा सकते हो एक बार इसे चेक करा दीजिए बस। सो अभी दूसरा वाला स्पीकर भी चेक कर रहे हैं हम, और इसको भाई कुछ नहीं कह सकता मैं। तो अभी दूसरा वाला स्पीकर भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्वालिटी अलग है और इसकी क्वालिटी अलग है। सो अभी देख रहे हैं दूसरे वाला भी चेक करके। क्या कर रहे हो? क्या नहीं, मैं कुछ देख रहा था बस। क्या देख रहे थे? हैं? क्या देख रहे थे? ऐसा पकड़ो इसे। यार इसका अलग साउंड है। तो वोकल अलग होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, भीड़ हो रही है।
जो भी है पुलिस है कमेटी वाले हैं। ओ भाई हड़कंप मच गया। जो यहाँ पे जितना सामान था अभी जो आप लोग देख रहे थे वो सब अंदर चला गया। ये देखो हटो साइड हटो साइड हटो पीछे भी देखो कलावाल चेहरा सब सब्सक्राइब ऑल बढ़ गया सब्सक्राइब ऑल बढ़ गया आपके भाई व्हाट ये देख सकते हो और हर कप पे छोड़ दे मेन पे ओ भाई वो आ रही है मैं दिखाती हूँ ठीक है पुलिस आ रही है। सो सीन कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे पुलिस आ चुकी है और ये लोग अंदर कर रहे हैं। अब हमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो पुलिस वाले खड़े हैं ना भाई साहब कितने लोग आ गए हैं। सब पुलिस वाले आ गए हैं कमेटी वाले और यहाँ सारा सामान ये लोग अंदर कर रहे हैं जल्दी जल्दी। सो गाइस यहाँ जैसा कि कमेटी आ चुकी है अभी हमें तो वेट ही करना पड़ेगा काफ़ी देर। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इनको जाने में, फिर ये वापस सेटअप करेंगे और फिर हम लेंगे। तो तब तक मैं रेहान से ये बात करती हूँ कि रेहान तो आप ये बताओ कि जहाँ भी आप गाना गाते हो वहाँ महफिल क्यों लगा देते हो? बस ऊपर वाले की देन है। ये बात भी सही है। और एक बात और कि अभी इन्होंने बोला कि कॉल आई पुलिस वालों की कि क्राउड हो रहा है भीड़ हो रहा है तो गाना मत, इन्होंने मना कर दिया। और बंदे आपसे ये बोलते हैं ना कि पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, तो इनको बताओ कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो जाती है देखो आप देख ही सकते हो यार, और अगर यकीन नहीं आता तो पीछे दिखा दो। हाँ पुलिस आ जाती है यार उसके बाद ना बहुत सीन हो जाता है हमारे साथ। तो ये गाना हम पब्लिक रिएक्शन वीडियो तो नहीं बना सकते फिलहाल। तो पब्लिक में गाना इतना आसान नहीं होता ठीक है। बट आप सब बोलते हो यार, इतनी रिक्वेस्ट करते हो, सो ये आप सभी के लिए था। और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर भी गाऊँगा। सो जैसा भी है यार क्या इतना क्राउड लग जाएगा। हाँ और मेरा यार मोटिव बिल्कुल भी नहीं होता कि क्राउड में लगाऊँ, बट क्राउड खुद ही आ जाता है। सो ये ऊपर वाले की देन है कि अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ दी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला को और आप सभी को कि आप मेरे को सुनते हो, मेरे को बर्दाश्त करते हो। बर्दाश्त नहीं प्यार करते हैं। हाँ मतलब प्यार करते हैं। सो गाइज दैट्स वाई हम पब्लिक में शूट नहीं कर पाते क्योंकि क्राउड हो जाता है और अभी बिल्कुल भी क्राउड लगाना अलाउड नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी सीन हो गया सडनली। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि कुछ टाइम आप लोग वेट करो और आफ्टर सम टाइम कोविड जैसे कम होता है हम आप सभी के लिए पब्लिक रिएक्शन वीडियो अगेन शुरू करेंगे। तो तब तक अभी प्यार दो और सपोर्ट करो। तो मैं चलती हूँ रेहान के पास। सो गाइस अभी हमें ये दिखाएंगे जो भी है वो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे। जो भी नहीं है स्पीकर है LED है। मतलब जो भी इन्होंने हमारे लिए सेलेक्ट किया है वो भी हमें ये दिखा देंगे, फिर हम चेक करेंगे और आफ्टर चेकिंग हम देखते हैं कि हमें कैसा लगता है नहीं लगता। बहुत ही देर से हम यहाँ पर आए हैं और मैंने गाना गाया है, क्राउड लग गया था। भाई वॉइस कैसी लगी आपको ये बताइए? बहुत अच्छी लगी। अपने ब्लॉग पे डालूंगा इसके लिए। अच्छा बना लीजिए आपने? अरे भैया ने वीडियो बनाई है। भैया ने वीडियो मेरी भी इंस्टाग्राम आईडी पे आपके जरूर जाएगा जी। मेरा आईडी का नाम है इनबॉक्स इंडिया। इनबॉक्स इंडिया ठीक है, उसमें आपकी वीडियो जरूर जाएगी। थैंक यू सो मच। तो वहाँ पर मेरी वीडियो जाएगी, सो प्लीज़ यार फॉलो कर लेना। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। कर दिया प्रैंक। हाँ और मेरा भी इट्स अमरीन ऑफिशियल। इतना लंबा याद नहीं रखते ये, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक पे क्लिक कर लेना। कोई कष्ट की बात नहीं है। बस सो आई डोंट नो यहाँ पे इतना क्राउड क्यों है। फाइनली गाइज यहाँ पे हम करते हैं ब्लॉगिंग ख़त्म। और एक्चुअल में आप लोगों ने देखा था कि पुलिस वगैरह की क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया हमें। और अभी तो हम ले नहीं पाए, उन्होंने नेक्स्ट बुलाया हमें आफ्टर 2 डेज़। तो
आएंगे हम दोबारा, हम ऑलरेडी पसंद तो हम कर चुके हैं, बट सीन ये है कि जब तक हम चेक नहीं करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से, मैं नहीं चाह रही कि वो खरीदे। और रेहान थोड़ा अपसेट है क्योंकि ये पूरे मूड में आया था कि आज इसको लेना ही है, बट मुझे लग रहा है कि तसल्ली हो जाए थोड़ा, फिर लेते हैं हम, तो हम दो दिन बाद फिर से आएंगे। और उसकी आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी, अब हम ब्लॉगिंग तो नहीं दिखाएंगे, अब डायरेक्ट आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी बहुत जल्दी। तो बस वीडियो खत्म करते हैं, दे रहा हूँ यार, और आप सबके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखते हुए ये वीडियो बनाई है, और अभी जो हम सामान ले रहे हैं वो भी आपके लिए ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं, तो उसका भी कुछ हमने सोच रखा है, वो आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ टाइम हम अभी इस पर मतलब प्रोसेस चल रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा रेहान के ही चैनल पे। सोचा है मैंने आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आए। तो अभी तो जब तक आप प्यार दें हमें और सपोर्ट करें, प्यार दें। सो गाइस, अगर आपको ब्लॉगिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो न्यू है चैनल पे वो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग योर बॉय रेहान रॉक्स, और साथ ही साथ कर दिया एंटरटेन चैनल ऑल्सो।